नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांताक्रूज मुंबई में। कुछ देर बाद हमारी प्लेन यहां से निकलेगी और थोड़ा सा समय मिला है तो सोचा आपसे बात कर लें और फिर इसके बारे में कुछ बता दे। यद्यपि हमारे जितने भी दोस्त हैं सभी अभिज्ञ हैं इन चीज़ों से, सभी जानते हैं यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। तब की गई थी जब महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा छेड़ा था, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप देख रहे हैं इस हवाई पट्टी को, यद्यपि सूर्य के प्रकाश की वजह से ठीक से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। ये इंडिगो और स्पाइस जेट के दो विमान लगे हुए हैं। स्पाइस जेट के विमान से जाना है, तीसरा एयर इंडिया का है। इस हवाई पट्टी के बारे में बताते चलें आपको कि यहाँ पहले इस हवाई पट्टी का नाम था छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी, हवाई अड्डा। तो बाद में काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि शिवाजी जो यहाँ के मानक हैं, लोग बड़ा मानते हैं, एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं, तो शिवाजी महाराज नहीं लगा था। फिर बाद में इसको चेंज किया गया, शिवाजी महाराज नाम दिया गया। जब भी आपको हवाई यात्रा करनी हो, कम से कम 1.5 घंटा तो हर हालत में पहले आपको पहुंचना चाहिए। बहुत सी दिक्कत होती है यातायात के मामलों में, यदि आप बस से जा रहे हो, कंडक्टर से नहीं बताएंगे कि मुझे यहाँ उतरना है, दो बार कम से कम उसे रिपीट करा दें कि भैया यहाँ उतरना है, मैं बता दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बता नहीं पाते हैं, इसके वजह से अगले पड़ाव पर पहुँच जाते हैं, फिर वापस होना होता है। एहसास करिए, अगर आप मोटरसाइकिल से हों तो भी आपके साथ यही दिक्कत होगी, तो पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपका जो कंप्यूटराइज टिकट है वह एक बार चेक करके फिर आपको यहाँ का टिकट दिया जाएगा, जिस पर सीट नंबर लिखा होगा, गेट नंबर लिखा होगा, किस गेट नंबर से आप जाएंगे, कैसे। यदि आपने हिचकिचाहट का परिचय दिया तो आपकी प्लेन छूट भी सकती है। प्लेन में जब भी आप बैठें, नियमों का पालन करें और ज़ोर ज़ोर से, जैसे फ़ोन से जब आप जब लैंड करेगी तो स्विच ऑफ कर देना है, उसका भी पालन करना है, सीट बेल्ट लगा लेना है, इसका भी हमें पालन करना है। ऐसा हम कोई कृत्य न करें कि बगल का यात्री हमसे परेशान हो। जैसे मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि अन्य जो यात्री बैठे हुए हैं उनका मौलिक अधिकार है कि कोई ज़ोर ज़ोर से अगल बगल न बोले। तो इस तरह से है, थोड़े ही समय में हम सवार होंगे। समय की कमी थी, हम रामलीला में भी हमने भाग लिया है तो वहाँ भी मुझे समय से पहुँचना था, इसलिए इसका सहारा लिया गया। तो दोस्तों यह है, हमने बताया आपको, और यह बहुत लंबा एयरपोर्ट है। हम चलिए, एक हमारे और मित्र जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। यद्यपि ऐसे स्थानों पर लोग मिलते जुलते रहते हैं। शुभ नाम आप बताइए अपना। मेरा नाम अमित राय। अमित राय जी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यद्यपि ऐसे लोगों से मैं मिलवाता रहता हूं और बात करता रहता हूं। अमित जी गाजीपुर के मूल निवासी हैं, अभी हम आए तो इसी प्लेन से इन्हें भी निकलना था। अमित जी, कौन सा गेम आपका? मेरा गेम पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं अमित जी। तो अमित जी कहाँ से आ रहे हैं किसी? मैं मुन्नार में, अभी मुरिकाशरी में नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी। अच्छा। उसमें भी हाल में मैं रेफरी नियुक्त किया गया था। अच्छा। राष्ट्रीय स्तर का उसी प्रतियोगिता को समापन का अंजाम दे के फिर मैं वापस आया। अच्छा, अब आप चल रहे हैं गाजीपुर के लिए, तो यात्रा हम लोगों की साथ में होनी है। यद्यपि देखिए दोस्तों, आपने बहुत किया है हमारे साथ, मैं रेडी हूँ। जो इंटरनेशनल स्तर के हमारे मित्र हैं, वैश्विक रूप से जुड़े हुए हैं, अब एयरपोर्ट पर भी इक्के दुक्के पहचान जाते हैं, फिर ऐसे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन है, तो अच्छा है। 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के देखने की संख्या हो रही है। तो अमित जी से फिर हम कभी बात करेंगे। अमित जी, शुरुआत आपने कब किया इसकी? पावर लिफ्टिंग की? हाँ जी, 1995 में पहली बार मैं कंपटीशन लड़ा। अच्छा। हमारे गुरु जी श्री भगवान त्यागी जी स्टेडियम में कार्यरत थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप खेलिए। मैं खेलना स्टार्ट किया,
चैंपियन हुआ, फिर राष्ट्रीय स्तर पे चैंपियन हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाओं में हिस्सा लिया। इंटरनेशनल स्तर का आपका कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। अच्छा, हंगरी में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें छठा स्थान मिला था। इंडिया के रिकॉर्ड भी हमारे नाम पे हैं कई। भोपाल में मैंने रिकॉर्ड बनाया, चकनाचेरी केरला में भी मैंने रिकॉर्ड बनाया था। फिलहाल इस समय मैं नेशनल रेफरी हूँ। नेशनल रेफरी हैं अमित जी, जिन्हें प्यार से लोग रिंकू कहते हैं। रिंकू जी से मुलाकात हो गई है और यात्रा हम लोगों की होगी। अब पता नहीं इस हवाई पट्टी का क्या हाल है, लेकिन अब निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है। अमित जी, जैसे वाराणसी का मैंने सुना था कि निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है, तो चलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही निजी क्षेत्रों को दिया जाता रहेगा तो कुछ दिन में निजीकरण हो जाएगा, यह देश की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बहरहाल इस जो भी करना चाहें केंद्र सरकार कर सकती है, हमें भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है, उस पर कभी मैं अलग से वीडियो करूंगा। तो यह रहा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांता क्रूज मुंबई। आप ध्यान दें और अब हवाई यात्राओं को प्रश्रय देना चाहिए, जिस तरह से अमित जी बढ़ रहा है, जैसे समय की बचत है, हवाई यात्राएं सस्ती भी हो गई हैं और मुझे लग रहा है सुरक्षित भी हैं, जैसे ट्रेनों की अपेक्षा और फोर व्हीलर की अपेक्षा तो हवाई यात्राएं सुरक्षित हैं। इन्हें और भी प्रगति देने की आवश्यकता है, तमाम प्राइवेट कंपनियाँ इस क्षेत्र में हैं। तो चलिए आज के दिन इतना ही, हम हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांता क्रूज मुंबई पर अमित जी के साथ। धन्यवाद, सभी दोस्तों को विनम्र भाव से हमारा और अमित जी का सादर नमस्कार।